कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड विकास मोर्चा ने समरणालय के बाहर प्रदर्शन किया एवं ज्ञापन सौंपा। जिले में प्याज की जमाखोरी एवं कालाबाजारी को लेकर झारखंड विकास मोर्चा ने प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने कहा कि जमाखोरी की वजह से प्याज का मूल्य आसमान पर चढ़ा है, प्रशासन को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। जमाखोरी पर अंकुश लगाना होगा। झारखंड विकास मोर्चा जिंदाबाद। कालाबाजारी पर अंकुश लगाना होगा। वहीं दूसरी ओर मानगो पुरुलिया रोड के रहने वाले संतोष कुमार महतो ने वरीय पुलिस अधीक्षक से मंगलदीप यादव नामक व्यक्ति की शिकायत करते हुए उसके भूमि पर जबरन कब्जा का आरोप लगाया है। मेरा पैतृक संपत्ति जो पुराना पुलिया रोड स्थित है, यहाँ कुछ लोग अवैध कब्जा कर मकान निर्माण कराया जा रहा था, जिसका मैंने 21 तारीख करीब 3 बजे करीब मैंने उसका विरोध किया, तो वो लोग गाली गलौज करने पर उतारू हो गए। मुझे लगा कि यहाँ माहौल बिगड़ सकता है, मैं थाना गया। थाना में मुझे उस वक्त कहा गया कि आप एक आवेदन लेके आइए और उस फोटोकॉपी जो जमीन के कागजात है उसका आप उपलब्ध कराएं। मैं 22 को पुणे गया, बड़ा हाउस से मुलाकात हमारी नहीं हुई, 4 बजे करीब उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप कल आइए, आज मैं व्यस्त हूँ। मैं 23 तारीख को फिर पुणे गया, 12 बजे करीब थाना प्रभारी मुझे और मैं आवेदन स्वीकार किया। उसके बाद वो खुद स्पॉट पर आए जिस जगह पर निर्माण कार्य हो रहा था। उन्होंने जो भी निर्माण कार्य पे जो कुदाल बेलचा वगैरह सब जब्त किया, जब्त करने के बाद वो थाना ले गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कहा कि मालिक को थाना पर अब भेजिए। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं। आज क्या मांग? आज मांग है मेरी कि आज मैंने काम लगातार चालू हो रहा है, जबकि थाना प्रभारी को इसकी जानकारी प्रत्येक दिन दिया जा रहा है, उसके बाद भी काम बंद नहीं हुआ। आज हम लोग थाना प्रभारी SSP साहब से मांग करेंगे कि तत्काल वहाँ पर जो कार्य हो रहा है उसको रुकवाया जाए। एक अन्य खबर के मुताबिक गोलमुरी आकाशदीप प्लाजा के पास ठेले में दुकान लगाकर परिवार का पोषण करने वाली अमृतपाल कौर ने SP से रात को ठेला गायब हो जाने की शिकायत की है। 12-13 साल से दुकान लगा रहे थे आकाशदीप के पास गोलमुरी, और उसी में आके सब दुकानें वहीं पे है, केवल मेरी दुकानें वहाँ से उठा दी गई है। कौन उठाए? रात को प्रशासन ही गया होगा, कौन था उनके सिवाय वहाँ से? नहीं, कितना दिन से दुकान पे किसी मिल रहा है? अभी हम डीसी से मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टाटा लीज नवीकरण में रहती भूमि को उचित मुआवजा या फिर भूमि वापसी की मांग करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनका नेतृत्व जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन कर रहे थे। मोर्चा पूर्वी जिला समिति एक प्रतिनिधि मंडल जिला की उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के समक्ष हम लोग मिलने जा रहे हैं, जिस पर हम लोग कुछ 21 सूत्री में जो मांगे हैं इस बार एक पॉइंट पर डिस्कस करके हम मांग पर बताएंगे। तो मुख्य मांगे क्या? मुख्य मांगे यह है कि आज टाटा लीज है, टाटा लीज में जो रेतों का जमीन जो मुक्त किया गया है उसको वापस करनी है। दूसरी ओर सरजमदा से आए एवर ग्रीन क्लब के सदस्यों ने वहां खाली पड़ी सरकारी भूमि पर स्टेडियम निर्माण की मांग की है। एवर ग्रीन लवर्स सोसाइटी की ओर से हम लोग DC साहब को ज्ञापन सौंपे और हम लोग उनका मांग है कि वहां पर एक पंचायत क्षेत्र में एक स्टेडियम बने, और DC साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि आज सरकारी जमीन को ऐसा ही अतिक्रमण किया जा रहा है और ये चिन्हित जमीन है EGL का। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस पर बहुत जल्द स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। एक अन्य खबर के अनुसार छोटा गोविंदपुर से आए मुकेश महतो ने अपने 22 वर्षीय पुत्र गोपाल महतो की गुमशुदगी की शिकायत SP से की है। गोपाल महतो गत 3 जुलाई से घर से लापता है। 500 रुपये का छोटा करने के लिए लड़का गया, लेकिन उसके बाद रिटर्न नहीं आया। मेरा पड़ोसी है और इनका लड़का शाम को कुछ काम से गया था बाहर निकला, उसके बाद से उन्हें पता है 3-4 लड़का लोग के मोबाइल नंबर से था जो उसका दोस्त लोग है, वो लोग नहीं कुछ कर रहा है। आज किससे मिलने? आज साहब से मिलने आए, साहब SP साहब से थाना के प्रभारी को दिया गया है इसकी सब बात कर। दूसरी ओर जाकिर नगर मानगो के रहने वाले शहजादी बेगम ने अपने ही पुत्र नाजिर हुसैन पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत वाद
दर्ज कराते हुए पुलिस से हस्तक्षेप की मांग की है। महिला के चार पुत्र हैं, आरोपी सबसे छोटा पुत्र है। महिला बेटा नजीर बहुत धमका रहा आदमी को, हमको बोलता कि जान से मार देंगे, मेरा नाम उसके घर में करेगी तो ये सब बहुत सताता है उसका। औरत खनी मारने मारी कितना आदमी को। अभी किससे मिले हैं? एसपी से मिलने आए हम। क्या बोले हैं? वो बोले हैं कि ठीक है हम करेंगे। सिख समुदाय के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु स्टाइफन दिलाने में अहम भूमिका निभा रही है अल्पसंख्यक सिख सेवा संघ। अल्पसंख्यक सिख सेवा संघ द्वारा ऐसे बच्चों का चयन किया जा रहा है जो पढ़ने में अच्छे हैं और मेधावी हैं। उनके लिए सरकार से स्टाइफन दिलाने के लिए संस्था तत्पर है और अब तक कई बच्चों को इसकी सुविधा प्रदान की गई है। इसमें आए कि क्लास वन से लेकर प्री मैट्रिक और उससे हायर एजुकेशन भी दिया जाए, तो उसके जो काफ़ी सिख समुदाय के बच्चे पीछे हैं इस काम के लिए। काफ़ी समय से हम लोग ये कोशिश प्रयत्न कर रहे थे, कुछ बच्चों को हर साल दिलाते हैं, पर इस बार हम लोग युद्ध स्तर पर काम करके मैंने काफ़ी जो सिख समुदाय के अल्पसंख्यक बच्चे हैं जो गरीब तबके के हैं, जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं पर उनको सहयोग नहीं मिलता है, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हों, सरकारी हो या गैर सरकारी स्कूल संस्था में।